हेलो फ्रेंड्स, डीएल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर मशीन सेकेंड के सिंक्रोनस मोटर चैप्टर को लेकर आया हूं, जो कि आपके इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो आइए देखते हैं दोस्तों सिंक्रोनस मोटर में आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक होगा वो आपका फेजर डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस मोटर होगा, यानी सिंक्रोनस मोटर का फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाएगा, कैसे हम इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं सिंक्रोनस मोटर के बारे में। तो सिंक्रोनस मोटर आपका थ्री फेज स्टेटर पर सप्लाई दी जाएगी, जिसके मैग्नेटिक फील्ड में, जिसके चुंबकीय क्षेत्र में स्टेटर होगा, वो सॉरी रोटर होगा, उस रोटर में जो कि डीसी सप्लाई होगी। ये देखिए आपका स्टेटर हो गया, ये आर वाई एंड बी होगा, और इसमें जो आपका रोटर बना होगा वो डीसी सप्लाई पर ऑपरेट होगा, प्रचालित होगा। और ये डीसी सप्लाई पिछले क्लास में बताया गया कि किसके द्वारा प्राप्त होगा, तो ये डीसी सप्लाई डीसी संट जनरेटर के द्वारा मिलेगा, जो कि आपके रोटर को एक्साइटेड करेगा, उसे ही एक्साइटर के नाम से जाना जाता है। और इसमें एन एस पोल जनरेट होंगे, किसमें, स्टेटर में। स्टेटर में एन एस चाल पर गतिमान, एन एस स्पीड पर रोटेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जो कि आपके रोटर के अपोजिट पोल के साथ, ठीक है दोस्तों, अपोजिट पोल के साथ कपलिंग करेगा, जुड़ाव करेगा, और एक सिंक्रोनस स्पीड पर रोटर को ऑपरेट करेगा, प्रचालित करेगा, ठीक है। इसमें पिछले क्लास में देखा गया था इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, स्टेटर, रोटर और एक्साइटर, जिसमें एक्साइटर जो था डीसी संट जनरेटर था। और अगला जो टॉपिक आपका था इसमें, जो इस मोटर को हम कैसे ऑपरेट करेंगे, किन किन विधियों के द्वारा इन मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो आपकी विधि थी डीसी मोटर के द्वारा, एसी मोटर के द्वारा और डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा। उसके बाद आपका था इस मोटर में हंटिंग, आपका इसको इलिमिनेट कैसे करेंगे, हंटिंग एंड इट्स इलिमिनेशन, और लोड एंगल क्या था। तो लोड एंगल के बारे में एक बार थोड़ा सा बता देते हैं कि स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस होगा, जो अक्ष होगा उसमें, और जो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस होगा, वो यदि एक दिशा में नहीं रहते हैं, जैसे आपका ये हो गया एन, ये हो गया यस, ये आपके स्टेटर का हो गया, और रोटर की दिशा अगर दूसरी है, यानी दोनों एक दिशा में नहीं है, वो अलग एक्सिस बनाते हैं, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा अल्फा या थीटा से प्रदर्शित करेंगे, वो एंगल ही आपका लोड एंगल कहलाएगा। यानी स्टेटर जो होगा और रोटर जो होगा, उन दोनों की एक्सिस में मोटर के रोटर पर पड़ने वाले लोड की वजह से उनके एक्सिस में जितने डिग्री का अंतर आएगा, यानी हमारा जो रोटर होगा अगर वो अल्फा डिग्री स्टेटर के मैग्नेटिक एक्सिस से पीछे होता है या आगे होता है, वो अल्फा डिग्री का मान ही आपका लोड एंगल कहलाएगा। यानी लोड में परिवर्तन के वजह से स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस तथा रोटर के मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस में बनने वाले कोण को ही लोड एंगल कहेंगे, ठीक है दोस्तों। लोड में वेरिएशन के कारण से जो एंगल क्रिएट होगा स्टेटर और रोटर के मैग्नेटिक एक्सिस में, उसे ही लोड एंगल के नाम से जाना जाएगा। यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा, ये स्टेटर का मैग्नेटिक एक्सिस है इन चुंबकीय अक्ष, और ये रोटर का चुंबकीय अक्ष है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो ही आपका लोड एंगल होगा। हंटिंग क्या था, रोटर पर लोड के वेरिएशन के कारण, लोड में परिवर्तन की वजह से, यानी लोड का कम होना या ज्यादा होने की स्थिति में आपका रोटर स्टेटर के मैग्नेटिक एक्सिस यानी चुंबकीय अक्ष से पीछे होता है या आगे होता है, ये स्थिति आगे या पीछे होने की स्थिति क्या कहलाती है, हंटिंग कहलाती है, जिसे दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया गया था। तो आज का टॉपिक है आपका फेजर डायग्राम, ये फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। दोस्तों आप लोगों ने डीसी मोटर में भी पढ़ा होगा कि फेजर डायग्राम ड्रॉ करते समय आपके तीन चार कंपोनेंट आपके नेसेसरी होते हैं। सबसे पहले इसका वोल्टेज और करंट, ठीक है दोस्तों, जो आपका अप्लाइड वोल्टेज होगा वी, ठीक, और वो करंट, उसके द्वारा प्रवाहित करंट जो कि आर्मेचर में फ्लो होगा वो आई ए है, अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू वी है, उन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा, 5 डिग्री, जो कि यहां पे दिखाया गया है, ठीक है। यानी इस पर V वोल्टेज अप्लाइड किया जाता है, जिसकी वजह से आर्मेचर में IA धारा प्रवाहित होती है, और इस तरीके से IA धारा प्रवाहित होने पर इनके बीच में वोल्टेज और करंट के बीच में जो हमारा एंगल बनेगा, पावर फैक्टर जो एंगल होगा वो होगा आपका 5 डिग्री, ये रहा 5 डिग्री।
इन दोनों के अप्लाई करने पर यानी वोल्टेज के लगाने पर जो धारा प्रवाहित हुई है, तो इस वोल्टेज के अप्लाइड होने की वजह से उस मशीन में एक बैक ईएमएफ, ठीक है, विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो कि आपके वोल्टेज का यानी अप्लाइड वोल्टेज लगने वाले विभव का विरोध करता है, और वो विरोध करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो दोस्तों ये यहां पे ईबी को यहां पे माना जाता है, ठीक है, ईबी को यहां पे माना जाता है। लेकिन इनमें लोड की वजह से, जो अभी बताया ना लोड एंगल अल्फा डिग्री, जो लोड एंगल था यहां पे आपका यन था स्टेटर का और रोटर का एक्सिस यहां पे था, ये रोटर का था, यहां पे आपका रोटर रहा, ये आपका रोटर हो गया, ये रोटर का हो गया और ये स्टेटर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा था अल्फा, ये लोड की वजह से जो अल्फा एंगल बनता है उस लोड की वजह से ही इतना डिग्री, कितना डिग्री, अल्फा डिग्री पीछे हो जाता है, कौन, बैक ईएमएफ, ठीक है दोस्तों। तो ईबी का बिना लोड की कंडीशन में यहां पे मान आएगा वी के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अप्लाइड वोल्टेज का विरोध करेगा उसका बैक ईएमएफ यानी विरोधी विद्युत वाहक बल, ठीक है, जो कि वोल्टेज से एकदम अपोजिट 180 डिग्री अपोजिट होता है, यानी अप्लाइड वोल्टेज का सीधा विरोध करता है वो, ठीक। लेकिन अब जब मशीन पर लोड एंगल लगा है, लोड एंगल को बताया गया कि लोड की वजह से स्टेटर के चुंबकीय अक्ष यानी मैग्नेटिक एक्सिस व रोटर के चुंबकीय अक्ष यानी मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है उसे ही लोड एंगल कहते हैं। उस एंगल के इतना ही हमारा, जैसे यहां पे मशीन यानी हमारा रोटर पीछे हो गया अल्फा डिग्री, वैसे ही ईएमएफ क्या होता है, ये एंगल बनाता है, ये है आपका अल्फा डिग्री एंगल, ठीक है दोस्तों। तो ईबी जो बैक ईएमएफ जो यहां पे लगने वाला था वो अब अल्फा डिग्री एंगल पर लगता है। तो दोस्तों ये आपका है ईबी, समझ में आया, अप्लाई करेंगे वोल्टेज जिसकी वजह से करेंट क्रिएट होगी और इस वोल्टेज का विरोधी विद्युत वाहक बल स्वतः ही उसमें उत्पन्न हो जाएगा और वो विरोधी विद्युत वाहक बल इसके 180 डिग्री अपोजिट में लगेगा, 180 डिग्री अपोजिट लगेगा। लेकिन मशीन में लोड एंगल होने की वजह से उतना डिग्री एंगल पर ही आपका ईबी यानी बैक ईएमएफ शिफ्ट कर जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये देखिए अल्फा डिग्री पे शिफ्ट हुआ है तो ईबी का मान यहां आया है, अप्लाइड वोल्टेज का मान यहां आया है। आपको पता है कि जब दो समान मान लेकिन अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट यानी परिणामी निकालते हैं। तो यहां पे दोस्तों ये भी वोल्टेज ही है और ये भी वोल्टेज ही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। ऐसी स्थिति में अब प्रभावी मान क्या होगा, प्रभावी मान यानी रिजल्टेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना होगा। तो रिजल्टेंट कंडीशन ये रही आपकी, ठीक है दोस्तों, और ये रिजल्टेंट जो कंडीशन होगी वो आपका ये रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी ई आर, ठीक है दोस्तों, ई आर यानी ई यानी ई एम एफ, आर का मतलब रिजल्टेंट। तो यहां पे ई आर की वैल्यू शो की जाएगी। अब जब हमारा रिजल्टेंट ई एम एफ आ गया यानी हमारा परिणामी विभव आ गया है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा अप्लाइड वोल्टेज से और करेंट के बीच में एंगल फाइव था, लेकिन अब हमारा रिजल्टेंट आ गया है उस विभव से यानी उस ई एम एफ से करेंट की वैल्यू का जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, थीटा। ये ध्यान दीजिएगा, थीटा एंगल किसके किसके बीच में है, तो ये ध्यान दीजिएगा थीटा जो बनेगा वो ई आर व आई के बीच में बनेगा। आपका जो फाई एंगल बनेगा वो किसके किसके बीच में बनेगा, वी व आई के बीच में बनेगा। और आपका अल्फा एंगल किसके किसके बीच में है, तो अल्फा एंगल आपका शिफ्टिंग एंगल है यानी हमारा ई आर के वजह से ये जनरेट हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो एंगल्स को ये ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आपका ये फेजर क्रिएट होता है। फेजर में ये बताया गया है कि हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसकी वजह से धारा प्रवाहित होगी, और जो ही इसमें वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से धारा प्रवाहित होती है उसका विरोध करने वाला फैक्टर बैक ईएमएफ जनरेट हो जाता है स्वतः ही, जो कि क्या करेगा, अप्लाइड वोल्टेज का विरोध करेगा। तो विरोधी घटक है, अपोजिट फैक्टर है, तो ये 180 शिफ्ट रहेगा, 180 डिग्री विपरीत में रहेगा। तो 180 डिग्री विपरीत में देखिए इससे यहां पे आएगा, डॉटेड लाइन पर आएगा। लेकिन यह मशीन इन मतलब एक एक्सिस पे नहीं है, यानी इसका स्टेटर और रोटर एक ही दिशा में नहीं है, कुछ एंगल शिफ्ट है जो कि एंगल लोड एंगल कहलाता है, जिसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इस वजह से उसका जो विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, बैक ईएमएफ जनरेट हुआ है, वो भी अपने एक्चुअल कंडीशन से अल्फा डिग्री शिफ्ट हो जाएगा और ये हमारा
ई बी बैक ईएमएफ मिलेगा। तो दोस्तों यहां पे अप्लाइड वोल्टेज वी है, बैक ईएमएफ ई बी है, इन दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा ई आर, जो कि इन दोनों के रिजल्टेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। तो ई आर का मान इस तरीके से आएगा जो कि आपके करंट आई से थीटा डिग्री पर उपस्थित होगा। तो ये रहा आपका फेजर डायग्राम, ठीक है दोस्तों, ये आपका फेजर डायग्राम। वी वोल्टेज अप्लाइड किए, करंट क्रिएट हुई या फ्लो हुई आई ए, जिसकी वजह से बैक ईएमएफ जनरेट हुआ, लेकिन वो अल्फा डिग्री पर हुआ क्योंकि वो लोड एंगल है, तो अल्फा डिग्री पे आया वो, और इन दोनों का रिजल्टेंट ई आर मिल गया। ये हमारा फेजर है, ठीक है। इसी फेजर को हम एक्साइटेशन के बेसिस पे भी देखेंगे। तो ये आपका रोटर का रेजिस्टेंस, ये रोटर का इंडक्टेंस, ये आपका अप्लाइड ईएमएफ, और ये ई बी है, ये ई है, और ये अप्लाइड वोल्टेज वैल्यू ये है, ठीक है। ये रोटर का रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है, ठीक है, एक्स, यहीं पे हम इसे जेड भी कह सकते हैं, जेड ए। जेड ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आर ए का स्क्वायर प्लस एक्स ए का स्क्वायर, ठीक है। और नोट्स के बारे में चिंता मत करिएगा, नोट्स मिल जाएगी आपको, अभी कुछ टेक्निकल चीजें चल रही हैं, फिर आपको इस क्लास के बाद नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा फेजर डायग्राम ये है, जो कि कंप्लीट हो गया है। अप्लाइड वोल्टेज किए हैं, करंट आई है, उसका अपोजिट ईएमएफ जनरेट हुआ है, जिनका रिजल्टेंट आपका ईआर है, जिसे आई ए जेड एस के से शो किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद ये जो आपका कंडीशन है, ये फेजर डायग्राम लोड बेसिस पे, तो लोड में जो हमारा एक्साइटर था, जो संट जनरेटर था, जो मशीन को एक्साइट कर रहा था, उसके रोटर वाइंडिंग को डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहा था, उसकी वोल्टेज वैल्यू बढ़ाकर घटाकर हम उनकी स्थितियों को परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपका मेन फेजर है, इसमें आपका ये स्थितियां प्रदर्शित की गई हैं, जब आपका मशीन आपका लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करेगा। तो देखिए, ये हमारा रेफरेंस में वोल्टेज है, इससे ये करंट लीड कर रही है, ठीक है दोस्तों। उसके साथ ही अगर हम इसमें जेड की वैल्यू को देखें, ये हमारा लीडिंग कंडीशन में है, यानी करंट और वोल्टेज में 5 डिग्री जो है, वो करंट आपका 5 डिग्री आगे है किसकी, वोल्टेज की वैल्यू से। तो यहां पे लीडिंग कंडीशन हो गई, और बाकी आप तो जान ही रहे हो, ये हमारा आई ए जेड ए है, यहां पे ये ई बी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ई बी हो गया, और ये ई आर है, ठीक है दोस्तों। यही फेजर है, सेम टू सेम यही फेजर है, लेकिन अलग अलग कंडीशनों में, ठीक है। कंडीशन आपकी क्या है, कंडीशन आपकी ये है कि ये लीडिंग की कंडीशन में काम कर रहा है, लीडिंग मतलब जब आपका वोल्टेज से करंट आगे चल रही हो, ठीक। ये 5 डिग्री है आपका, ठीक है, यहां पे आई ए है और ये वोल्टेज है, यानी जब लीडिंग होगा कंडीशन, तो आपका ये जो करंट है, ये जो आपकी पीछे चल रही है, वो पीछे न चल के वोल्टेज से आगे चलने लगी। बाकी सारी सिचुएशंस वैसे ही रहेंगी, बस इनमें वैल्यूज में, यानी जो कैलकुलेटिव वैल्यू होगी उसमें चेंजिंग आएगी। अभी इसी के बाद जो अगला टॉपिक आएगा, उसमें ये सारे जो भी डाउट अगर आपके छोटे छोटे होंगे, वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला आएगा यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब, जब आपके वोल्टेज के डायरेक्शन में ही, यहां देखिए वोल्टेज के डायरेक्शन में ही करंट है, वोल्टेज और करंट एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, ऐसे सिचुएशन को क्या कहेंगे, यूनिटी पावर फैक्टर, यूपीएफ, ठीक है। और जब इससे हमारा ये वोल्टेज लगेगा, तो यहां पे रिजल्टेंट निकलेगा, ये रिजल्टेंट आपका ये है, ठीक है दोस्तों, ये आपका रिजल्टेंट है, ये ईआर है और ये ईबी है, ठीक है। देखिए यहां पे ये जो वैल्यू यहां पे लगी थी, इसे ही जब पैरेलल बनाएंगे तो ये वैल्यू यहां मानी जाएगी, ठीक है। जब पैरेलल होता है ये यहां पे, तो देखिए ये वैल्यू यहां मानी जाएगी, तो जब फेजर बनाएंगे तो ये वैल्यू यहां नहीं दिखेगी, बल्कि एक ट्रायंगल के रूप में दिखाया जाएगा, तो रिजल्टेंट यहां आएगा, ये पैरेलल है उतने ही मान का, तो ये यहां वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपका होगा ई बी, ये होगा आपका वी और ये आपका ई आर, ठीक है दोस्तों। तो वैसे ही उसी तरीके से यहां पे देखिए, इस ई बी को यहां शिफ्ट किया जाएगा, तो अगर हम लीडिंग की कंडीशन में देखेंगे, तो करंट की वैल्यू आपकी आगे होगी, यहां करंट,
यहां वोल्टेज V, और इसी के साथ देखिए यहां पे EB है, इसे यहां शिफ्ट किया जाएगा तो ये आपका आएगा EB, ये EB है, और वोल्टेज V और EB का रिजल्टेंट क्या आएगा, ये वैल्यू जिसे हम किसे ER से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। ये लीडिंग पीएफ पे है, उसके बाद यूनिटी पीएफ। यूनिटी पीएफ क्या है, जब आपका करंट वैल्यू, ये करंट और वोल्टेज दोनों एक ही दिशा में आएंगे तो करंट का ही आपका वोल्टेज से एंगल चेंज होगा। तो देखिए ये इस दिशा में आ गया तो करंट जो आपकी लीडिंग कंडीशन में थी वो यहां पे आएगी, लेकिन ई बी का मान देखिए उसी डायरेक्शन में, ई बी यहां है, वी और ई बी का रिजल्टेंट आपका क्या आएगा, ई आर, ये वैल्यू ही ई आर है, ठीक है। उसके बाद लैगिंग, लैगिंग कंडीशन में क्या है कि वोल्टेज से करंट लैग करने लगेगी, यहां पे ये आपको थीटा दिखाया गया है, आप इसे फाई ले सकते हैं क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल फाई होगा। तो ये आपका आई एम्पियर, ये आपके वोल्टेज वैल्यू, और इस वोल्टेज के साथ, इस वोल्टेज के साथ जो कंडीशन आएगी, इस वोल्टेज के साथ जो कंडीशन आएगी वो आपका होगा, कहां गया एक सेकेंड, या इस वोल्टेज के साथ जो वैल्यू आएगी वो होगा आपका ई बी, ठीक है दोस्तों। यहां पे करंट वोल्टेज से लैग करेगी यानी पीछे रहेगी फाई एंगल, और इससे वोल्टेज से ई बी का मान जुड़ेगा जिसकी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, ये है ई आर, कौन सा मान, ये वाला, ठीक है। तो आप लोगों ने जो ये मेन फेजर देखा इसी की स्थितियां बदलती हैं, और इसमें वोल्टेज और करंट के बीच की जो कंडीशन है, ये जो फाई वैल्यू है, कभी आपकी लैगिंग होगी तो करंट नीचे की तरफ होगी, यूनिटी होगी तो वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज होंगे, एक ही दिशा में होंगे, और अगर लीडिंग की कंडीशन होगी तो आपका करंट वोल्टेज से आगे रहेगा, लीड करेगा, ठीक है दोस्तों। और ये कंडीशन देखिए वैसे ही मिलेगी, ठीक है, वोल्टेज और ईबी का रिजल्टेंट आपका ई आर वैसे ही मिलेगा, और आपके करंट की वैल्यू अलग अलग होगी। ये स्थितियां जो है, ये मान, ये ऊपर का जो कंडीशन है, ये मान कब बदलेगा, जब हम एक्साइटेशन वोल्टेज बदलेंगे। एक्साइटेशन वोल्टेज का मतलब हुआ, ये तो आपके लोड की कंडीशन पे हो गई, आपका लोड जो कि लीडिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर और लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है, तब ऐसी कंडीशन में फेजर आपका बनेगा। लेकिन अगर हम डीसी सप्लाई जो है, जो एक्साइटर है, डीसी संट जनरेटर है, अगर उसी की सप्लाई को चेंज कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये सिचुएशन आएगी, जो कि आपका अगला टॉपिक है, चेंज ऑफ एक्साइटेशन इन सिंक्रोनस मोटर, यानी तुल्यकालिक मोटर में जो उत्तेजक या उत्प्रेरक जो विद्युत वाहक बल आता है, ई की वैल्यू आती है, उसे चेंज करेंगे। आप लोगों ने पिछले फिगर में देखा था इसमें कि आपका स्टेटर होगा, उस स्टेटर के बीच में आपका रोटर होगा, रोटर होगा, ये रोटर डीसी सप्लाइड द्वारा सप्लाइड होगा, यानी डीसी संट जनरेटर द्वारा सप्लाइड होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये सप्लाई की वैल्यू ही बदलने पर ये सिचुएशंस क्रिएट होती है, लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी, ये तो नॉर्मली आपके लोड पर भी निर्भर करता है, लेकिन आपके रिजल्टेंट ई आर का मान और ई बी की वैल्यू वेरी किया जाएगा। तो वो वेरी कैसे किया जाएगा, वो चेंज किया जाएगा एक्साइटेशन के मान से, यानी उत्तेजक विद्युत वाहक बल परिवर्तित करके हम इनकी स्थितियों को परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहां पे देखते हैं कैसे ये होगा। यहां पे देखिए शुरुआत अवस्था में जब ईबी का मान वी से कम हो, यानी हमारे बैक ईएमएफ का मान अप्लाइड वोल्टेज के मान से कम होगा, ऐसी सिचुएशन में ईबी की वैल्यू देखिए, वोल्टेज यहां रहा, ईबी आई का मान यहां रहा, ईबी तो नॉर्मली यहां आता है, लेकिन आपका जो लोड एंगल है उस वजह से ये उतने ही डिग्री, जितना डिग्री लोड एंगल रहेगा उतने ही डिग्री यहां शिफ्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से हम एक रेक्टेंगल लेते हैं जो कि पैरेलल जो आर्म होगी, समानांतर भुजा होगी, उसे यहां शिफ्ट करेंगे, जो कि यहां पे ये ईबी प्रदर्शित होगा। इस वजह से यहां वी और ईबी का रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, ई आर, रिजल्टेंट ईएमएफ आएगा, ठीक है दोस्तों। ये लैगिंग पीएफ पर कार्य करेगा, कब, जब ईबी का मान वी से कम होगा,
यानी वोल्टेज जो अप्लाइड किया होगा उसका मान ज्यादा और बैक ईएमएफ की वैल्यू कम होगी एक्साइटेशन कम करने पर। ठीक, जब हम एक्साइटेशन बढ़ाएंगे, सिचुएशन यहां पे देखिए, ये सामान्यतया मान लीजिए ये अप्लाइड वोल्टेज है, ये आपके करंट की वैल्यू है और यहां पे आपका ई बी लग रहा है और इसकी वजह से यहां पे आपका रिजल्टेंट ई आर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपका फाई हो गया, यहां से यहां थीटा हो गया, ये अल्फा हो गया आपका। ठीक है, ये कंडीशंस हो गई। अब जब आपके एक्साइटेशन की वैल्यू बढ़ेगी यानी डीसी संडर जनरेटर के वोल्टेज का मान बढ़ाया जाएगा तो उसके बढ़ाने पर यहां पे क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, तो ईबी का मान जो ही बढ़ाया जाएगा इसके फेजर की लंबाई बढ़ेगी, यानी ये आपका ईबी आएगा। ठीक है दोस्तों, इस दिशा में वोल्टेज आएगा वी, करंट की वैल्यू जब इस प्राइमरी कंडीशन से करंट की वैल्यू बढ़ाई जाएगी तो करंट की वैल्यू इस डायरेक्शन में मिलेगी। ठीक है, करंट की वैल्यू इस डायरेक्शन में मिलेगी। ऐसे सिचुएशन में जो करंट के साथ कंडीशन बनेगी उसे यूपीएफ यूनिटी पावर फैक्टर कंडीशन कहते हैं, क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर तब होता है जब वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज हो, एक ही कला में हो, तो ये बनेगा। और यहां से आपका इसके पैरेलल भुजा बनेगी और इसका रिजल्टेंट यहां से ई आर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आपका थीटा डिग्री आपके किसके बराबर हो जाएगा, फाई के, और ये आपका अल्फा है। ठीक, पहली ये सिचुएशन, फिर एक्साइटेशन की वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाया गया तो ये सिचुएशन, और उसके बाद फिर एक्साइटेशन के सिचुएशन की कंडीशन बढ़ाई जाएगी तो आपका यहां वोल्टेज वी, करंट का डायरेक्शन इस दिशा में, एक्साइटेशन की वैल्यू को बढ़ाया गया है यानी ईबी के मान को बढ़ाया जाएगा तो वो यहां ये आपका आएगा ईबी और इसको पैरेलल खींचेंगे तो यहां पे आएगा ई आर। ये देखिए इनके बीच में ये बनेगा फाई, इनके बीच में यहां बनेगा थीटा और इधर से बनेगा ये अल्फा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बीच में यहां पे देखिए इसके बीच में अल्फा है, एकांतर कोण आप जानते होंगे, तो ये भी क्या बनेगा, अल्फा ही बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका जो डीसी संट जनरेटर है उसके द्वारा वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाने पर आपके इस डीसी सॉरी संट जनरेटर की कंडीशंस बदल जाती है। एक्साइटेशन बढ़ाने पर यहां देखिए वोल्टेज की वैल्यू कम थी, करंट ज्यादा लैग कर रहा था। ठीक, ज्यों ही वोल्टेज की वैल्यू ये बराबर होने पे, कंडीशन गलत है, ये यूनिटी पीएफ पे जब होगा तो ईबी इज इक्वल टू जीरो, ईबी इज इक्वल टू वी होगा यहां पे यूनिटी पीएफ पर, यानी ईबी का मान वोल्टेज वी के मान के बराबर होगा तब करंट आई और वोल्टेज दोनों इन फेज में होंगे, आपका यहां पे ईबी का मान लगेगा, इसके ही पैरेलल यहां पे लाइन खींची जाएगी ईबी का और इसका रिजल्टेंट आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहां पे बताएं। ठीक, उसके बाद आप इस फिगर को ध्यान दीजिएगा और आपके पीडीएफ में भी फिगर वहां पे अटैच होगी, ये फिगर नहीं, ये फिगर यूज करिएगा, वहां पे फिगर कॉपी में होगी, जो भी पीडीएफ देंगे उसमें होगी। और उसके बाद लीडिंग, जब ईबी का मान वोल्टेज अप्लाइड जो वोल्टेज होगा वी इससे ज्यादा हो जाएगा तो ये सिचुएशन बनेगी, आपके वोल्टेज से करंट लीड करेगा। ठीक है दोस्तों, ये फिगर आपकी है नॉर्मल कंडीशन, आपके लैगिंग की कंडीशन इसे बोलेंगे। ठीक है, ये लैगिंग की कंडीशन है, ये आपकी यूनिटी की कंडीशन है। ठीक है, इसे पश्च बोलते हैं हिंदी में, इसे बोलते हैं यूनिटी मतलब एकक बोलते हैं या इकाई बोलते हैं, और इसे बोलते हैं अग्र लीडिंग। ठीक है दोस्तों,
तो ये लीडिंग पीएफ पर काम कर रहा है पावर फैक्टर पर, और ये आपका यूनिटी पावर फैक्टर पर, और ये आपका लैगिंग पावर फैक्टर पर। ये तीन सिचुएशंस बनती हैं एक्साइटेशन चेंज करने पर। ठीक है, एक्साइटेशन चेंज करोगे आप, ये सामान्य स्थिति थी जैसा कि पिछले वाले में बताए थे, ये सामान्य स्थिति है। ये सामान्य स्थिति में इसका फेजर क्रिएट होता है, उसके बाद आपकी सिचुएशंस बदलती हैं एक्साइटेशन चेंज करने पर, यानी जो आपको डीसी संट जनरेटर में वोल्टेज देंगे उसके चेंज करने पर, और उसके चेंज करने पर सिचुएशंस पहले ये आएगी जो कि मोर लैगिंग से सामान्य स्थिति होती है। ये इसमें मत अटैच करिएगा, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। सामान्य स्थिति होती है मोर लैगिंग की, यानी ये फाई का मान ज्यादा होता है। ठीक, उसके बाद से हम एक्साइटेशन की वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये स्थिति थोड़ी शिफ्ट होगी, वोल्टेज की वैल्यू और बढ़ाएंगे तो ये करंट जो नीचे था वो वोल्टेज के डायरेक्शन में आ जाता है, जो कि यूनिटी पावर फैक्टर या इकाई शक्ति गुणक कहलाता है। उसके बाद वोल्टेज की वैल्यू और बढ़ाएंगे तो जो करंट का एंगल वोल्टेज से बन रहा है अब वो वोल्टेज से आगे चलने लगेगा, जिस कंडीशन को बोलेंगे लीडिंग पावर फैक्टर, अग्र शक्ति गुणक। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया चेंज ऑफ एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, यानी एक्साइटेशन जो होगी सिंक्रोनस मोटर की उसे परिवर्तित करने पर क्या स्थिति बनेगी वो, और पिछला आपका था फेजर डायग्राम। ये आपका फेजर डायग्राम है, ये कैसे बनेगा वो ही बता दिया गया। तो दोस्तों इसका पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप जाइए हमारे प्ले स्टोर पे, डीएल एकेडमी ऐप है उसमें हमारा सेक्शन बना हुआ है मशीन सेकेंड का, थर्ड ईयर का, वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड करिए और इन चीजों को आप आराम से लिख लीजिए। अगर इसमें कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, वहां से चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, इसे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। तो दोस्तों आपके प्यार दुलार के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।